नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गैबापिन एंटी टैबलेट के बारे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गैबापिन एंटी टैबलेट के लाभ, न्यूरोपैथिक दर्द का इलाज। गैबापिन एंटी टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल डायबिटीज़ या स्पाइनल कॉर्ड की चोट के कारण नसों में होने वाली नुकसान के कारण लंबे समय तक रहने वाली पुरानी दर्द का इलाज करने के लिए किया जाता है। यह दर्द और उससे जुड़े लक्षणों जैसे कि मूड में बदलाव, नींद की समस्या और थकान को कम करता है। यह माना जाता है कि यह डैमेज नसों और मस्तिष्क के माध्यम से यात्रा करने वाले दर्द के सिग्नल को इंटरफेयर करने का काम करता है। गैबापिन एंटी टैबलेट के साइड इफेक्ट, इस दवा से होने वाली अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप कम हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। गैबापिन एंटी के सामान्य साइड इफेक्ट जैसे कि कब्ज, पेशाब करने में कठिनाई, वजन बढ़ना, नींद आना, चक्कर आना, थकान, धुंधली नज़र, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट है। गैबापिन एंटी टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा की खुराक और अनुमाप की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगले, इसे ना चबाए, कुचले, ना ही तोड़े। गैबापिन एंटी टैबलेट को खाने के साथ या खाने के बिना खा लिया जा सकता है, लेकिन इसे रोज़ाना एक निश्चित समय पर लेना बेहतर होता है। गैबापिन एंटी टैबलेट कैसे काम करता है? गैबापिन एंटी टैबलेट दो दवाओं का मिश्रण है, गैबापिन और नाइट्रोप्लिटिलीन। गैबापिन एक अल्फा टू डेल्टा डिग्रेड है जो तांत्रिक कोशिकाओं की कैल्शियम चैनल गतिविधि को मॉड्यूलेट करके दर्द को कम करता है। नाइट्रोप्लिटिलीन एक ट्राइसाइक्लिक एंटीप्रेसेंट है जो केमिकल मैसेंजर के स्तर को बढ़ाता है। यह केमिकल मस्तिष्क में दर्द के संकेतों के मूवमेंट को रोकता है। एक साथ देने पर ये न्यूरोपैथिक दर्द क्षतिग्रस्त तंत्रियों के कारण होने वाले दर्द से राहत देते हैं। गैबापिन एंटी के बारे में कुछ खास टिप्स। गैबापिन एंटी टैबलेट का उपयोग नसों की क्षतिग्रस्त होने के कारण लंबे समय तक चलने वाले दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यदि आप कोई अन्य दर्द निवारक दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर को सूचित करें। इस दवा को लेने के साथ आपका डॉक्टर आपको दर्द से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी करने की सलाह दे सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।